जननायक जनता पार्टी के नेता दिग्विजय सिंह चौटाला ने कहा कि 11,000 रुपए के बेरोजगारी भत्ते के लिए युवाओं को अभी और इंतजार करना होगा। कॉमन मिनिमम प्रोग्राम के तहत इस पर निर्णय होना है। जेजेपी और बीजेपी गठबंधन की प्राथमिकता इस वक्त युवाओं को ज्यादा से ज्यादा रोजगार उपलब्ध करवाने की है। हिसार में दिग्विजय सिंह चौटाला से खास बातचीत की हमारे संवाददाता महेश कुमार ने। पानीपत की इसराना से जननायक जनता पार्टी एक और बड़े शक्ति प्रदर्शन को लेकर तैयार हो चुकी है। 13 मार्च की तारीख रखी गई और इसी को लेकर तमाम कार्यकर्ताओं को आगे बढ़ाने के लिए हौसला अफजाई उनकी करने के लिए तमाम जो सीनियर लीडरशिप है वो आगे बढ़ चुकी है और पूरे हरियाणा प्रदेश में कार्यकर्ताओं को बूस्टअप करने का काम किया जा रहा है। इस रैली के सफल आयोजन को लेकर आप मुझे बताइए कि जींद के पांडू पिंडारा से जननायक जनता पार्टी का गठन किया गया, अब एक और बड़े शक्ति प्रदर्शन को लेकर युवा जो रैली आप कर रहे हैं पानीपत के इसराना में, एक बड़ा शक्ति प्रदर्शन जेजेपी का मान लिया जाए? निश्चित तौर पर प्रजातांत्रिक प्रणाली में राजनीतिक दलों की ताकत सिरों की गिनती से होती है। लाखों लोग इस बार इसराना में जब एकत्रित होंगे, जो 10 महीनों में पार्टी इतनी मजबूत ताकत बनी है उसकी ताकत और ज्यादा दुगनी करने का काम ये रैली करेगी। हरियाणा प्रदेश की जनता डॉक्टर अजय सिंह चौटाला जी को अपना प्रिय मानती है। बड़े बुजुर्ग उन्हें आशीर्वाद देने के लिए, नौजवान अपने प्रेरणा स्रोत को ताकत देने के लिए और दुष्यंत को हौसला देने के लिए इसराना में आएंगे। पार्टी की ताकत दुगनी होगी और इस 10 का टारगेट जो हमने पूरा किया, 10 महीनों में 10 तो 50 महीनों में 50 सीटों का टारगेट लेकर के उस दिन से हम अपना अग्रसर हो जाएंगे। लेकिन आप अगर 50 की बात करेंगे तो बीजेपी के लिए दिक्कतें बढ़ जाएंगी? भाई अपनी पार्टी को कमजोर कौन करना चाहेगा, हम तो अपनी पार्टी को मजबूत करना चाहेंगे, वो भी अपनी पार्टी को मजबूत करें, दोनों मजबूत करेंगे तो गठबंधन मजबूत हो जाएगा। लेकिन चुनावी अगर भाषा में बात करें तो जिक्र किया जाता है शक्ति प्रदर्शन तब होता है जब चुनाव नजदीक हो, तो ऐसे में इस शक्ति प्रदर्शन को किस तरीके से देखा जाए? भाई हम अपनी पार्टी को मजबूत करेंगे, ये हमारा दायित्व है, ये हमारा धर्म है, हम अपने धर्म पर अग्रसर हैं। धर्म की आप बात करें लेकिन 11,000 रुपए बेरोजगारों को बेरोजगारी भत्ता देने का धर्म भी आप निभाने की बात कर रहे थे, कब तक निभाने? मिनिमम प्रोग्राम के अंदर उसकी सारी डिस्कशन हो रही है, उस पर व्हाइट पेपर दोनों पार्टियों के लीडर जारी करेंगे। साफ तौर से उम्मीद की जा सकती है? उम्मीद युवा वर्ग को करनी चाहिए बेरोजगारी भत्ते से ज्यादा रोजगार की, जो दुष्यंत चौटाला देने जा रहे हैं 13 लाख नौजवानों। ये जो 75% आरक्षण की बात की जा रही थी प्राइवेट फैक्ट्रियों में 75% हरियाणा के युवाओं को नौकरी, लेकिन ये कब तक हो जाएगा? सर्वे शुरू हो चुके हैं और उसका सारा ड्राफ्ट कर लिया गया है, आगे बिल को टेबल किया जाएगा विधानसभा में, बिल पारित जैसे ही होगा वो कानून बन जाएगा, कानून बनने के बाद उसकी इम्प्लीमेंटेशन होगी। मैं मानता हूं कि अगले एक साल के अंदर उसकी बहुत हद तक इम्प्लीमेंटेशन आपको नजर आ जाएगी। तो क्या ये मान लिया जाए 75% हरियाणा के युवाओं को आरक्षण दे दिया जाएगा? 13 लाख नए लोगों को इन 5 सालों में रोजगार दिलाने का जो लक्ष्य 75% आरक्षण के तहत है वो दुष्यंत पूरा करेगा। ये जो जेजेपी के रामकुमार गौतम है नारनौंद से विधायक, ये नाराजगी जो है लगातार बढ़ती जा रही है, बार बार आप लोगों ने कहा कि हमारे बुजुर्ग हैं, हमारे बड़े हैं, मना लेंगे, लेकिन रूठे माने मानते नजर नहीं आ रहे हैं। बुजुर्ग जो होते हैं वो किसी बात को लेकर के नाराज होते हैं तो उन्हें मना लिया जाता है, आसानी से अगर नहीं मानते तो भी फिर भी मनाना पड़ता है। हम उनका आदर करते हैं, उनका आशीर्वाद हमारे साथ है, वो पार्टी के मजबूत सिपाही हैं और मजबूत हमारे साथ जब तक खड़े रहेंगे पार्टी और मजबूत। लेकिन दुष्यंत में खामियां और मुख्यमंत्री में खूबियां नजर आ रही हैं उनको, ये तो चलो समय समय की बात है। कौन क्या सात तौर से जननायक जनता पार्टी एक बड़े शक्ति प्रदर्शन को लेकर यहाँ पर तैयार हो चुकी है। पानीपत के इसराना में एक रैली का आयोजन जननायक जनता पार्टी की तरफ से किया जा रहा है और तमाम कार्यकर्ताओं को उसी के लिए इकट्ठा करने की तैयारी है। सहयोगी कमल के साथ महेश कुमार, टोटल न्यूज, हिसार।